ही तो हूँ, एक कमी थी जिंदगी में, हर कदम हर मोड़ पर एक दिन खुद को पुकारा, इल्म को आवाज दी, सुना सा कुछ नया सा एक नगमा गूंज था, अपने पे ईमान आया, अपने पे आया यकीन, पा लिया है मैंने जिसको, खुद ही हूँ खुद ही तो हूँ। आकाश सजा क्यों रंगों से, आकाश सजा क्यों रंगों से, हर सूरत क्यों सुंदर न्यारी, मासूम खुशी हर बच्चे की क्यों गूंज रही बन किलकारी, मासूम खुशी हर बच्चे की क्यों गूंज रही बन किलकारी, क्या बात है क्यों मन मुस्काए, क्या बात है क्यों मन मुस्काए, क्या बात है क्यों मन मुस्काए, क्यों लगती है दुनिया प्यारी। छह महीने का इकट्ठा सामान खरीद रही हूँ शारदा बहन, आज बात क्या है? पंडित जी, कल मेरे बच्चे आ रहे हैं घर, पूरे 3 साल बाद लौट रहे हैं अमेरिका से। आप समझा, इतना खुश तो मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। क्या दोनों बेटे आ रहे हैं? पंडित जी, दोनों बेटे, बहुएं और तीनों बच्चे। तभी पूरा बाजार खरीद रही है। आप घर जाइए, लड़का सारा सामान आपके घर छोड़ देगा। और हाँ, ये सब्जी भी यहीं छोड़ दीजिए। लेकिन सही सलामत घर छुड़वा दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अब आप घर जाइए, वहाँ भी तो तैयारियाँ करनी होंगी। कितने दिनों को आ रहे हैं वो लोग? 2 हफ्ते रहेंगे। पंडित जी, सामान जरा जल्दी भिजवा दीजिएगा। नमस्कार बहन जी, आज बाजार में बहुत देर हो गई। हाँ, बहुत ज्यादा ही लंबी हो गई, मौसम भी तो इतना अच्छा था कि जी, वो दुकान से नौकर आया था, आपका सामान मेरे घर छोड़ गया है, वो तो मैं भिजवा ही दूंगा। मैं तो घर की तैयारियां देखने आया था, सब तैयारियां कैसी चल रही हैं। और हाँ, ये आपका टेलीग्राम आया था, अमरीका से आया शायद। क्या बात है शारदा जी, सब खैरियत तो है? लेकिन इसमें लिखा क्या है? अजय को एक सेमिनार में इनवाइट किया है,
कोई इम्पोर्टेंट सेमिनार है, इसलिए छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। अब दोनों भाई अगले ही साल आएंगे शायद। कोई खास वजह होगी, वरना ऐसा नहीं करते। अजय नहीं आ सकता था तो अपनी बीवी बच्चों को भेज सकता था, आलोक तो कम से कम आ ही सकता था। पता नहीं क्यों, दरअसल आजकल बच्चों के पास वक्त ही नहीं है। नहीं नेगी भाई, उनके पास वक्त कम नहीं, मेरे ही पास बहुत ज्यादा है। चाय पियेंगे आप? जी नहीं, मैं चलूंगा। अब मैं चलूंगा शारदा जी, मेरे लिए कोई काम हो तो जरूर बताइए। नमस्कार। कौन? आप ही माजी हैं? तुम कौन? मैं छोटू हूँ। छोटू? मैं किसी छोटू को नहीं जानती। आप मुझे कैसे जानेंगी? आपने तो मुझे कभी देखा नहीं, पर मैं आपका जानता हूँ। आप हैं शारदा माजी। माजी काफी है। हाँ माजी, आपने अपने बगीचे में पंडित जी को काम करने को कहा था ना? हाँ कहा तो था, लेकिन मैं काम करने आया हूँ और आपके लिए फूल भी लाया हूँ। सब कहते हैं कि आपको फूल बड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए लाया हूँ। सुंदर है ना? सुंदर है। इन्हें लाए कहाँ से हो? आपके बगीचे से। मैंने कई घरों में देखा, मगर सबसे सुंदर फूल आपके बगीचे में थे। तुम मेरे ही बगीचे से फूल तोड़कर मेरे लिए लाए हो? फूल अच्छे नहीं है क्या? बहुत सुंदर है, पर तुम आए कहाँ से हो? मैं गणेश ढाबे वाले के यहाँ पे काम करता हूँ, अब आपके यहाँ पे भी करूँगा। मैं रोज दोपहर में आऊँगा, वही टाइम मिलता है। ठीक है, तो मैं कल से आऊँगा। रामू कैसा था? काम मिलने के लिए मालिक को खुश करना पड़ता है, इसीलिए आपके लिए फूल लाया था। आप खुश है ना? बहुत खुश हूँ। छोटू, तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं? गांव में, राजगढ़ में, यहाँ से 50 मील पे है। यहाँ अकेले रहते हो? गणेशी ढाबे वाले के यहाँ पे काम करता हूँ, हर महीने 150 रुपए घर भेजता हूँ। खेती का काम कहाँ सीखा? गांव में? माँ के साथ काम करता था, बाबा ड्यूटी जाते थे। तो माँ अब अकेले काम करती है? अब मुन्नी मदद करती है, 7 साल की तो हो गई है। ये चिट्ठी कहाँ से आई? घर से आई है। क्या लिखा है? प्यारे बेटे कैलाश के माँ बाप के साथ ही आशीर्वाद, मुन्नी का भी प्यार पहुँचे, यहाँ सब मंगल कुशल है, अपनी खैरियत लिखना, पिछले पैसे मिल चुके हैं। आगे? अभी खोली कहाँ, चिट्ठी तो रामू से पढ़वानी है। चिट्ठी पढ़ी नहीं तो फिर? हर चिट्ठी में यही लिखते हैं। तुम पढ़ नहीं सकते? मैं कैसे पढ़ूंगा, मुझे कहाँ आता है पढ़ना लिखना। बिल्कुल नहीं। नहीं माँ जी, मैं चलता हूँ, वरना रामू स्कूल से घर चला जाएगा। छोटू, कल फिर आओगे ना? जरूर आऊंगा माँ जी। अच्छा मैं चलता हूँ। माँ जी,
आपका सामान ले आया हूँ। पंडित जी ने कहा है कि गरम मसाला कल आएगा। कैंपा के क्रेट के बटने दाल और तेल दे देंगे। आज बगीचे में क्या काम करूँ? बगीचा तो तेरे आने से एकदम चमक गया। 10 दिन में ही काया पलट हो गई। फिर क्या काम करूँ? अरे तू तो पूरा जिन है रे, एक मिनट फिर नहीं बैठ सकता है। इसीलिए मैं तेरे लिए कुछ किताबें लेकर के आई हूँ, थोड़ा वक्त पढ़ने लिखने में लगा। क्या कह रही हैं माजी? मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? क्यों? इतना बड़ा हो गया हूँ, सब हंसेंगे नहीं? नहीं पढ़ेगा तो और ज्यादा हंसेंगे। मैं स्कूल जाऊंगा नहीं तो कहीं उससे हंसेगा कैसे? माजी मैं ये सूखे फूल फेंक के आता हूँ। तो मैं जाता हूँ माजी, वो कैंपा के क्रेडिट भी ले आता हूँ। वैसे आपने इतने कैंपा मंगाई किसके लिए? जिनके लिए मंगाए थे वो आई ही नहीं। आप नहीं पीती? नहीं। मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत अच्छा लगता है। बड़ा होकर मैं अपने घर में ढेर सारी रखूंगा। छोटू तुम किताबों को एक नजर देख तो सही। माँ जी मुझे देर हो रही है। सुन तो, मैं तुझे रोज एक कैंपा पिलाऊंगी। और सुन छोटू, तुझे स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा, मैं तुझे खुद पढ़ाऊंगी। माँ जी मुझे देर हो रही है। मैं पढ़ूंगा माँ जी, पर आप किसी को बताएंगे तो नहीं? नहीं, ये तेरे मेरे बीच का राज है। अब तो खुश आकाश सजा क्यों रंगों से, आकाश सजा क्यों रंगों से, हर सूरत क्यों सुंदर न्यारी। मासूम खुशी हर बच्चे की क्यों गूंज रही बन किलकारी। मासूम खुशी हर बच्चे की क्यों गूंज रही बन किलकारी। क्या बात है क्यों मन मुस्काए, क्या बात है क्यों मन मुस्काए, क्या बात है क्यों मन मुस्काए, क्यों लगती
नमस्ते माँ जी। आपने पहचाना नहीं? मैं गणेशी, ढाबे वाला। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ माँ जी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, ऐसे कैसे काम चलेगा, धंधे के टाइम में मैं अकेला क्या क्या करूँ, ग्राहक तो चिल्लाते हैं ना, मैं कहाँ कहाँ दौड़ूँ, अब आप ही बताइए। आप कुछ पूछिए तो मैं बताऊँ। पहले सांस लीजिए, फिर बताइए कि बात क्या है। सारी मुसीबत की जड़ ये पढ़ाई है, पहले उसके लिए टाइम चाहिए था तो मैं चुप रहा, अब इम्तिहान के लिए पढ़ना है तो और भी टाइम चाहिए, मैं क्या करूं, ढाबा बंद कर दूं? पर गणेशी, मेरे यहाँ तो छोटू दोपहर में पढ़ने के लिए आता है जब आप उसे छुट्टी देते हैं। पर अब तो इम्तिहान है, अब तो रात को भी पढ़ता है, रात भर लाइट जलती है, सुबह देर से उठता है तो काम तो मेरा ही खराब होता है ना। गणेशी, आपकी शादी हो गई? नहीं तो कौन करेगा शादी मुझसे, सारी जिंदगी सड़क किनारे गुजार दी, 15 साल में एक कोठरी तक नहीं बना सका मैं। तो आप चाहते हैं कि छोटू भी जिंदगी इसी तरीके से गुजारते? वो तो बड़ा भाई मानता है आपको। मैं भी तो उसे छोटू मानता हूँ, भाई है मेरा वो। पढ़ लिख कर छोटू की जिंदगी कुछ बन सकती है, क्या आप ये नहीं चाहते? आप छोटू से मत कहिएगा कि मैं आया था, मैं चलता हूँ। नमस्ते। माँ जी, ये क्या है? खोल के देखिए। आपके लिए है। कैसा है? सुंदर है, पर तुम इसे लाए कहाँ से? दुकान से, और कहाँ से? पर इतने पैसे कहाँ से आए? इस महीने घर नहीं भेजे क्या? भेजे थे। तो फिर ये पैसे कहाँ से? ये तो मैंने अलग से जमा किए थे अपनी गुल्लक में। एक साइकिल खरीदने के लिए। फिर ये शॉल क्यों खरीदी? साइकिल होती तो 4 काम और कर लेता, दिन भर यहाँ से वहाँ पैदल भटकता फिरता है। छोटू, मेरे पास तो कई शॉल हैं, पर तूने इतने पैसे क्यों खर्च किए? पर ऐसे शॉल तो नहीं है, मुझे अच्छा लगा इसे ले ले आया। जब आज मेरा रिजल्ट आया तो। तेरा रिजल्ट आ गया छोटू? क्या रहा? मैं पास हो गया माँ जी, मैं पास हो गया। पास हो गया? मैं पास हो गया माँ जी, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया माँ जी, मैं पास हो गया माँ जी, मैं पास हो गया, हाँ मैं पास हो गया माँ जी, मैं पास हो गया। कैसे हैं गणेशी, फिर कोई झगड़ा करने तो नहीं आ रहे? हम जैसे लोग आपसे क्या झगड़ा करेंगे, पर ये ठीक नहीं हो रहा है, मेरी तो वो एक नहीं सुनता, मैंने सोचा आप ही कुछ समझा लेंगी उसे। मैं ठहरा ढाबे वाला, अक्ल मोटी है मेरी, पर आप तो। इस बार भी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा गणेशी, आप बात क्या कर रहे हैं? आप ही ने कहा था पढ़ लिख कर छोटू की जिंदगी बन जाएगी, पर आज जब उसे हेडमास्टर साहब दिल्ली के बड़े स्कूल भिजवा रहे हैं तो। ये आप क्या कह रहे हैं गणेशी? क्यों, उसने आपको कुछ नहीं बताया? रिजल्ट निकलने के बाद हेडमास्टर साहब ने छोटू के बारे में दिल्ली लिखा था वजीफे के लिए, 15 दिन बाद चिट्ठी आ गई, रहना खाना किताब खर्चा सब मिलेगा, पर छोटू अड़ गया, मुझे नहीं जाना गांव छोड़कर, गांव तो बहाना है, उसे तो माँ जी को छोड़कर नहीं जाना। उसने आपसे कुछ नहीं कहा? तो मैं यूं ही आपको, पर मुझे क्या, मुझे तो ये छोटू और मैं। और आपने सोचा कि मैं अपने स्वार्थ के लिए उसे नहीं जाने दे रही?
तेरे सारे अड्डे मालूम हैं, मुझसे कहां छुपेगा? मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। क्यों? ये मेरा घर है, मैं दिल्ली क्यों जाऊं? पढ़ने, यहां से अच्छे और बड़े स्कूल में कुछ सीखने, कुछ बनने के लिए। लेकिन मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। बच्चे तो देश विदेश जाते ही हैं पढ़ने, मेरे और दोनों बेटे भी तो गए हैं। पर मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। छोटू, तू डरता है कि यहाँ से चला जाएगा तो मुझे भूल जाएगा? मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, पर आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। कल को तू कुछ बन जाएगा, नाम कमाएगा, तो क्या मुझे खुशी नहीं होगी? वो सब तो मैं यहाँ भी जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। दुनिया बहुत बड़ी है छोटू, तो क्या जिंदगी भर ढाबे पर बर्तन ही मांझता रहेगा रे? माजी, मैं तुझे जाना होगा मेरे लिए। मैं जानती हूँ, एक दिन तू पढ़ लिख करके बहुत बड़ा आदमी बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। नवाजी, क्या आपको बगीचे में काम करने के लिए कोई लड़का चाहिए? मेरा नाम नंदू है, क्या आप मुझे भी पढ़ा देंगी?